Good morning students, I am your maths teacher and this is chapter number 16, surface area and volume. Today we are doing exercise 16.1. Question number 1 to 7 we had done in our previous videos. Now question number 8. 8th question mein ye kaha gaya hai ki ek wall hai, ek diwar hai jiski length hai 44 meter, breadth hai 1.5 meter aur height hai 85 cm. उस वॉल को बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए और हर एक ब्रिक की लेंथ 22 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 17 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको बताना है कि उस वॉल को बनाने के लिए कितनी ब्रिक्स चाहिए, यानी हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल। तो यहाँ पे ये सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं और यहाँ पे भी ये हाइट सेंटीमीटर में दे रखी है, तो जो चीज मीटर में दे रखी है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। एक चीज हमेशा याद रखना, इनके यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ज्यादातर यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है तो अपन को मीटर की यूनिट वालों को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे वॉल के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है। लेंथ है 44 मीटर, इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 44 मीटर में 4400 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेथ है 1.5 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 मीटर में 150 सेंटीमीटर, और हाइट जो है वो ऑलरेडी 85 सेंटीमीटर दे रखी है। अब अपन निकालेंगे इस वॉल का वॉल्यूम। वॉल में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन डायमेंशन दे रखे हैं। इट मींस जो वॉल है वो किस तरह के शेप की है, क्यूबॉइड शेप की, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की वैल्यू ये 4400 मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ की वैल्यू 150 इनटू हाइट की वैल्यू 85 और सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब। इन वैल्यूज को अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि आगे जाकर क्वेश्चन में ये वैल्यूज आपस में कैंसिल होंगी, तो इसको यहीं तक छोड़ो। ये हुआ वॉल का वॉल्यूम। इसी तरीके से अब अपन निकालेंगे वन ब्रिक का वॉल्यूम। तो वन ब्रिक के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू दे रखी है, तीन डायमेंशन दे रखे हैं। इट मींस ब्रिक भी किस शेप की है, क्यूबॉइड शेप की, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला अपन लिख चुके हैं L into B into H। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके वन ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे। तो लेंथ 22, ब्रेथ 10 और हाइट 17 सेंटीमीटर, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो यह आया 22 × 10 × 17 सेंटीमीटर। तो एक वॉल का वॉल्यूम आ चुका है और एक ब्रिक का वॉल्यूम आ चुका है। अब अपन को क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। तो जब भी किसी क्वेश्चन में हाउ मैनी के फॉर्म में क्वेश्चन आए, जैसे हाउ मैनी ब्रिक्स या हाउ मैनी टिन्स या हाउ मैनी बॉक्सेस, तो हमेशा एक ही चीज करनी है, बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम, और अगर एरिया वाला क्वेश्चन है तो बिग एरिया अपॉन स्मॉल एरिया। तो यहाँ पर भी पूछा गया है हाउ मैनी ब्रिक्स और ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है, तो अपन क्या करेंगे, बिग वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ ब्रिक्स। अब यहाँ पे बिग वॉल्यूम किसका है, वॉल का है, वॉल का वॉल्यूम बिग होगा, सिंपल सी बात है, और स्मॉल वॉल्यूम किसका होगा, ब्रिक्स का होगा। तो मैंने लिखा नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, यानी ये बिग वॉल्यूम है वॉल का और ये स्मॉल वॉल्यूम है वन ब्रिक का, तो हो गया बिग अपॉन स्मॉल। एक ही फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी और छोटी वैल्यू नीचे आएगी, और फिर इस फॉर्मूले को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके। अब वॉल्यूम ऑफ वॉल ये रही इसकी वैल्यू, ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पे रखी, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ये वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक एज इट इज वैल्यू यहाँ पे। यहाँ पे अपन कैंसिल करने का काम करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, 17 को 85 से कैंसिल किया 5 टाइम्स, 0 से 0 कैंसिल, और 22 को 4400 से कैंसिल किया 200 टाइम्स। तो ये हो गया 15 × 5 = 75, 75 × 200 ये हो गया 15,000, और ये क्या चीज आई, नंबर ऑफ ब्रिक्स, यही चीज क्वेश्चन में पूछी गई। तो मैंने लिखा सो 15,000 ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं अपन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम दे रखा है 512 मीटर क्यूब। आपको इस क्यूब की साइड निकालनी है, तो अपन जानते हैं कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है,
साइड क्यूब, इसका ये फॉर्मूला होता है। और इसकी क्यूब के वॉल्यूम की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 512 मीटर क्यूब। यहाँ से अपन को सिर्फ साइड की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसके ऊपर क्यूब है तो इस क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। इट मीन्स इस पावर 3 को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो इसका आ जाएगा क्यूब रूट। तो जब 512 का क्यूब रूट निकालेंगे, ये क्यूब रूट का सिंबल होता है, तो 512 का क्यूब रूट निकालेंगे तो वो होता है 8, और मीटर क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो मीटर। इट मीन्स साइड की वैल्यू हो गई 8 मीटर। तो सो द साइड ऑफ द क्यूब इज 8 मीटर। ये था इतना सा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपको होमवर्क में करना है, जो कि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8। जिस तरीके से इसमें अपन ने नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाली है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 को भी करना है। नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक क्यूबॉइड है, उस क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशंस यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का रेशियो दे रखा है 5:3:2। और आगे कहा गया है कि उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो चीजें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको बताना है कि उस क्यूबॉइड की जो तीनों डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, इन तीनों की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब भी रेशियो की फॉर्म में क्वेश्चन होता है तब अपन उसको x की फॉर्म में सपोज करते हैं। जैसे लेंथ के लिए है 5, तो सपोज किया लेंथ है 5x, ब्रेथ के लिए 3 दे रखा है तो सपोज किया ब्रेथ है 3x, और हाइट के लिए 2 दे रखा है तो सपोज किया हाइट है 2x। अब क्वेश्चन बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 558 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपने अकॉर्डिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL = 558। 2 अपनी जगह पे ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे एल बी और एच की वैल्यू ये वाली रखेंगे, एल इंटू बी इट मीन्स 5x × 3x, प्लस की जगह पे प्लस रखेंगे, फिर बी एच मीन्स 3x × 2x, प्लस एच एल मीन्स 2x × 5x = 558। ये 2 जो कि इधर मल्टीप्लाई है, इसको अपन उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड। और इधर बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई और प्लस में से पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो यहाँ पे अपन इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15, x × x = x2। सिमिलरली 3x × 2x = 6x² एंड 2x × 5x = 10x². तो जब इधर इन तीनों को ऐड किया 15x² + 6x² + 10x², तो ये आया 31x², और जब इधर इसको डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई 279 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखना पड़ेगा, इसके साथ में जो 31 है मल्टीप्लाई में इसको उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा तो ये जाएगा डिवाइड। जब 279 को 31 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों तरफ एक साथ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स और इधर बचेगा 3 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू आ गई। अब अपन लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू निकालेंगे। लेंथ अपन ने सपोज की थी 5x, मीन्स 5 × x, और x की वैल्यू है 3, तो 5 × 3 = 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली ब्रेथ अपन ने एज्यूम की थी 3x, मीन्स 3 × x की वैल्यू है 3, तो 3/3 = 9 सेंटीमीटर। एंड हाइट जो कि अपन ने सपोज की थी 2x, इट मीन्स 2 × x की वैल्यू 3, यानी 2 × 3 = 6 सेंटीमीटर। ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू आ चुकी है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। यहाँ पे एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट होती है। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज यू कैन कम टू स्कूल एंड कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम 9 AM to 1 PM। थैंक्स।